तव्हां ॾिसी रहिया आहियो उल्हासनगर दर्पण न्यूज़, हिकु ईमानदार चैनल। आज उल्हासनगर दर्पण न्यूज लाखों लोगों तक पहुंच रहा है आपके ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप द्वारा। हमारा प्रण है उल्हासनगर को अपराध मुक्त बनाना। हमारे यहाँ कमला नेहरू नगर धोबीघाट परिसर में इस समय पानी की बहुत भारी समस्या है और जो सारी पाइपलाइन है पानी की वो कहीं ना कहीं लीकेज है और आप देख ही रहे हो कि आपके सामने रोड पर पानी बह रहा है, लीकेज है और अधिकारी लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और मेरा आपके माध्यम से अधिकारी लोगों से निवेदन है कि कमला नेहरू नगर धोबीघाट में प्रभाग नंबर एक, पैनल नंबर एक में अपना ध्यान दें और जितने भी लीकेज है वो बंद किया जाए और जहाँ पानी बिल्कुल नहीं वहाँ पर नई पाइपलाइन डाल के पानी की व्यवस्था की जाए और पानी का जो प्रेशर है वह बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी सारी महिलाएं, भाई बहन इस समय बहुत ही परेशान है और अभी अप्रैल चालू है, मई जून बाकी है। अगर पानी की समस्या का हल नहीं होगा तो हम लोग यह आंदोलन को तीव्र करेंगे। अगर अधिकारी लोग सुनेंगे नहीं तो यह निश्चित रूप में मैं इस आंदोलन को पूरा बढ़ावा दूंगा और जब तक अधिकारी लोग सुनेंगे नहीं तब तक मैं उठूंगा नहीं। इस बारे में अपने अधिकारी शिकायत की थी, बोलके जी आए थे इंजीनियर, लेकिन वो भी आके गए, उन्होंने भी बोला ठीक है मैं ध्यान देता हूँ, लेकिन उन्होंने भी ध्यान बिल्कुल दिया नहीं। आज धोबीघाट परिसरामध्ये उपोषणावर बसले होते काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे गिरीश बिहारी, काय तुम्ही आश्वासन दिलं त्यांना पाण्याच्या समस्यावर? धोबीघाट कमला नेहरू नगरमध्ये जी पाण्याची समस्या आहे, लोकांना कमी प्रेशरनी पाणी येतं, काही काही ठिकाणी जात नाही, बरेचसे लिकेज आहेत, ते 8 ते 10 दिवसामध्ये लिकेजेस रिपेअर करून